नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। अर्जुन कपूर ने अपनी शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, पिछले दिनों अर्जुन के जन्मदिन पर उनकी दादी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो जल्द ही शादी कर लें। इस पर अब अर्जुन कपूर ने चुप्पी तोड़ी है। अर्जुन कपूर ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी बहनों से पहले शादी नहीं करेंगे। दरअसल सोनम कपूर की शादी के बाद लोगों ने अर्जुन कपूर की शादी को लेकर सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। एक इंटरव्यू में जब अर्जुन से उनके वेडिंग प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तब शादी करूंगा जब रिया और अंशुला की शादी हो जाएगी। आपको बता दें कि रिया अर्जुन की कजिन है और अंशुला उनकी बहन है। अर्जुन ने कहा कि इसमें 2-4 साल भी लग सकते हैं और 6 साल का वक्त भी लग सकता है, मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा। खैर, ये तो साफ है कि अर्जुन हाल फिलहाल में शादी नहीं करने वाले। फिलहाल उनकी शादी को लेकर कोई खबरें नहीं आने वाली है। आपको बता दें कि अर्जुन का चार्म तब से कायम है जब उन्होंने इश्कज़ादे से एंट्री ली थी। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस करती हैं। उनका करियर का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। करियर और परिवार को देखते हुए अर्जुन कपूर फिलहाल शादी नहीं करने वाले। अर्जुन ने अपने चाचा अनिल कपूर के बारे में भी बात। अर्जुन ने कहा कि चाचू तो सातवें आसमान पर है, क्योंकि लोग उनसे कहते हैं कि आप पिता की तरह नहीं दिखते, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बहन की शादी हुई हो। अगर अर्जुन की फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही संदीप और पिंकी फरार और नमस्ते इंग्लैंड में भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड में भी काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।